छोड़ते नहीं उसको, अगर शक रहता तो छोड़ते नहीं, तब तो हम पकड़ते ना उस समय, लेकिन हम तो जानबे नहीं किए हैं। जान हो सकता है घर में आज घुसा है, कभी जान रहेगा जानो मार देगा। संजोग से भगवान का शुक्र बुझिए जे अगर हम उसमें सोते तो हो सकता है हड्डन मनाता तो हम निकल के आते, कुछ भी कर सकता था, नहीं कर सकता था, लेकिन हम लोग बाहर, हम तो बाहर रात सो गए। चोरी करने के फिराक में आया था? हाँ आया है तो चोरी करिए का गया, कैसे वो आया आ कैसे लेके गया? लॉक नहीं किए थे क्या? नहीं, ये लगाए हुए थे ना, ये लगाए हुए थे ऐसे, इसी में कई घुंडी कहाँ गया वो देखिए गिरे, ये कैसे न कैसे ये खोल दिया, एगो वो गिर गया वहाँ गिरा हुआ था, आए हैं तो देखे हैं, एगो इसमें ईसा लगा हुआ, इसी गेट से घुसा, पीछे बंद था, तो कैसे खोल दिया? नहीं आवाज नहीं सुनाई पड़ा, यही ना गेट धकेल के घुस गया था। इससे पहले भी चोरी हुआ था? नहीं कभी नहीं, आज पहला बार चोरी, आज पहला बार हुआ। एक दो बार मेरा गेट गहना उना भी ले गया क्या? नहीं गहना नहीं, सब कैश ले गया। एक दो बार हम जब सुबह सुबह उठे हुए थे तो माँ को बताए थे कि माँ अपना गेट खुला हुआ है, तो ये लोग बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है तुम भूल गई होगी, मगर एक दो रोज इससे पहले मेरा गेट पहले भी खुला हुआ रहता था। हाँ यही बात है। आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो बाहर सोए हुए थे, लाइन कट गया तो सब लोग बाहर चले आए और हवा बहने लगा, उसी पर सबको नींद उंद आ गया। आपकी बड़ी बहू है शायद, वो तो घर में थी, बहू बोल रही थी कि इससे पहले भी एक दो दिन पहले गेट खुला हुआ था शायद, बता रही थी। हाँ हो सकता है कि नहीं लगा होगा कुंडी इधर से। अच्छा कितना कैसे? 1.35। अब हम तो अब छोटी बहू का जैसे रूम था, अब उसमें से साड़ी उड़ी कुछ लेके आए कि नहीं लेके, लेकिन हमको लग रहा है कि हाँ। अनिल कुमार मिश्र मेरा नाम हुआ, मैं जदयू महासचिव बोछा प्रखंड से हूँ, बढ़ेता हरिवल्लभ थाना बोछा जिला मुजफ्फरपुर। चोरी का दृश्य तो है, अभी तुरंत जानकारी हमको मिली है तो हम आए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, इसके बाद इसका खोजबीन किया जाएगा, जहाँ तक हर संभव है इसकी बरामदगी की वो प्रयास रहेगा। हाँ बोछा थाना से ASI अरविंद कुमार। जैसे ट्रंक टूटा हुआ है, गोदरेज टूटा हुआ है, इसमें कपड़े सभी संबंधी सब सुरक्षित है, उसमें नगद राशि लेने की बात हो रही है। ये लोग तो घर वाले 1,35,000 बोल रहे हैं। हाँ तो आपको पता है सच का आईना।